आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का पूर्वानुमान दो दिन का कैसा रह सकता है? आने वाले दो दिन अर्थात मंगलवार 7 नवंबर और बुधवार 8 नवंबर को मौसम का मिजाज किस तरह का रह सकता है? समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी मौसम का पूर्वानुमान उनके द्वारा संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं 6 और 7 नवंबर की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग सिवनी में तापमान 20 डिग्री अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। मौसम में ठंडक घुलती हुई आपको प्रतीत हो रही होगी। 7 नवंबर को सुबह 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 7 नवंबर को ही दिन में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 10 बजे के बाद तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी दर्ज की जा सकती है और तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। शाम 5 बजे तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच, 9 बजे रात को तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, रात 12 बजे 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। बुधवार 8 नवंबर को सुबह 5 बजे के लगभग 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान अर्थात तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। 8 नवंबर को 10 बजे के लगभग 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 2 बजे दिन में 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। शाम 5 बजे 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच सिवनी में तापमान रहने की उम्मीद। 8 बजे रात को 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद और 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के लगभग रहने की उम्मीद। समाचार एजेंसी अपनी महेश रावलानी की रिपोर्ट है। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अब हम इसके बाद आपको हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताते हैं। वैसे बारिश का पहले हम आपको बता दें, बारिश का भी कुछ पूर्वानुमान इस तरीके का मिल रहा है, फिर भी हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं। 6 और 7 नवंबर की दरमियानी रात 12 बजे के बाद बारिश का वैसे हल्की फुल्की कहीं कहीं इस तरीके का मौसम बन सकता है कि रात के समय ओस गिरने की संभावनाएं कुछ बलवती दिखाई दे रही हैं। बारिश का वैसे तो पूर्वानुमान नहीं समझ में आ रहा है, पर मौसम परिवर्तन अवश्य दिखाई दे रहा है। रात में बारिश की बजाय ओस की बूंदें गिर सकती हैं। अब हम आपको हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताते हैं। हवाओं की दिशा और गति किस तरह की रह सकती है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 6 और 7 नवंबर की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग हवाएं बहुत तेज गति की तो नहीं चल सकती हैं, चलने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व की हवाएं आ रही हैं। दरअसल पश्चिम की हवाएं गर्म आती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं सुबह 5 बजे के लगभग भी हवाएं लगभग थमी ही महसूस हो सकती हैं आपको। दिन में भी हवाएं लगभग थमी महसूस हो सकती हैं। 2 बजे के बाद हल्के फुल्के दरख्तों पर आपको कहीं कहीं पत्ते हिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हवाएं तेज चलने की उम्मीद बहुत कम है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। 8 नवंबर को किस तरह का मौसम रह सकता है? हवाएं लगभग थमी ही आपको नजर आ सकती हैं। दिन में भी लगभग हवाएं थमी नजर आ सकती हैं। 2 बजे के लगभग घनसौर बरेला धूमा यहां हल्की फुल्की हवाएं चलने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। और उसके बाद 3 बजे के बाद हल्की फुल्की हवाएं पूरे जिले भर में बहुत तेज हवाएं चलने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा नहीं बताई गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको बता देंगे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में महेश रावलानी के द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान अब तक दिया गया है, पिछले लगभग 1.5 दशक से उनके द्वारा जो भी मौसम के पूर्वानुमान दिए जा रहे हैं वे 95 से 99% तक सही साबित होते आए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए
महेश रावलानी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही लिमटी की लालटेन विशेष कार्यक्रम देखना ना भूलिए। सुबह रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। आप अगर ये देखना चाहते हैं, खबरें देखना चाहते हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे मौसम का पूर्वानुमान लेकर। जय हिंद।